वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है सुष्मिता और मैं अपने चैनल पे मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूँ। आज मैंने आप सबके साथ ग्रीन ग्लिटरी आई मेकअप लुक शेयर किया है। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकअप इज़ मॉइस्चराइज़र। अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करें, तो मॉइस्चराइज़र के लिए आज मैं लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और उसे अपने नेक पे भी अप्लाई करूँगी। स्किन को प्रैप करके अब मैं एक प्राइमर यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं कलरवा का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ और उसे डैबिंग मोशन में अपने टी जोन पे और बाकी फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर के बाद मैं एक फाउंडेशन यूज़ करूँगी और उसे सेम डॉट पैटर्न में अपने फेस पे लगा के एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। अगर आपको नहीं पता डैम ब्यूटी ब्लेंडर क्या होता है, तो डैम ब्यूटी ब्लेंडर होता है, हम ब्लेंडर को पानी में अच्छे से डिप करके उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि उसका पूरा पानी निकल जाए, बस वो वेट रह जाए, हम उसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर कहते हैं। और उसी से मैं अपने सारे फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। मैं अपने नेक पे भी फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैं कई वीडियो में अपने नेक को कवर नहीं करती हूँ, मैं ऑफ कैमरा उसे कर लेती हूँ। सो आप अपने नेक को कवर करें। अब मैं एक कंसीलर यूज़ करूँगी और कंसीलर को मैं दो तरह से यूज़ करूँगी। नंबर वन, अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए और अपने स्पॉट्स को हाइड करने के लिए। नंबर टू, अपने फेस के पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, जैसे ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स, चिन और फोरहेड। इसका मतलब ये है कि हम अब कंसीलर को एक हाईलाइटर की भी तरह यूज़ करते हैं और उसे मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। हमारा अंडर आई एरिया बहुत जल्दी क्रीज हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंसीलर को तुरंत ब्लेंड करके उसे सेट कर लें। तो मैं उसके लिए एक कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और अपने अंडर आइज़ पे लगा के उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से मेरे कंसीलर को सेट कर दे। अब मैं शुगर पायलट से कॉन्टोर शेड लूँगी और अपनी चीक बोन को कॉन्टोर करूँगी। फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा फेस फ्लैट हो जाता है, तो अपने फीचर्स को वापस लाने के लिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं, इसलिए हम अपनी चीक बोन को हाईलाइट करते हैं कॉन्टोर करके। सेम पायलट से ब्लश लूँगी और एप्पल ऑफ चीक पे लगा के अपर डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी। अब मैं सेम पायलट से हाइलाइटर शेड करूँगी और अपने फेस को हाईलाइट करूँगी।
आज आईब्रो के लिए मैं काइब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसके टू साइडेड है, एक साइड स्पूली है और दूसरी साइड प्रोडक्ट है। पहले स्पूली से मैं अपने आईब्रो को कॉम करूँगी और फिर प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी। लास्ट में स्पूली से एक बार फिर से कॉम करूँगी फॉर इवन फिनिश। दूसरे आईब्रो भी फिल इन कर लिए। अब हम आई मेकअप शुरू करेंगे। उसके लिए मैं अपने आई लिड पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और उसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद उसे एक पाउडर से सेट कर लूँगी। आज मैं इस पैलेट से ग्रीन कलर्स अप्लाई करूँगी और एक ग्रीन ग्लिटर भी अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये डार्क ग्रीन कलर लूँगी और उसे अपनी लिड पे अप्लाई करूँगी। ब्रश को अगर हम सेटिंग स्प्रे से हल्का सा मॉइस्चर दे देते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्ट ईजिली अप्लाई हो जाता है। कलर की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम से ज़्यादा कलर मत लो वरना वो ब्लेंड नहीं होगा। प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद उसके एजेस को मैं लाइट कलर से ब्लेंड कर लूँगी ताकि उसमें कोई हार्श लाइनिंग शो ना हो। उसके बाद मैं लाइट ऑरेंज कलर लूँगी एज माय ट्रांजिशन कलर और उसे मैं लाइट ग्रीन शेड से ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैं एक ग्लिटर कलर लूँगी और उसे अपनी फिंगर से अपने आईलिड पे अप्लाई कर दूँगी। अब मैं अपनी वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करूँगी और लोअर लैश लाइन पे डार्क ग्रीन कलर अप्लाई करूँगी फॉर अ स्मोकी इफेक्ट। अब मैं अपनी ब्राउ बोन पे हाईलाइट अप्लाई कर रही हूँ, उससे आईब्रो हाईलाइटेड दिखती है। अब मैं एक थिन लाइनर ड्रॉ करूँगी बाय यूजिंग मेबलिन आईलाइनर। उसके बाद मैं अपने लैशेस को हल्का सा लिफ्ट अप करूँगी बाय यूजिंग ए कलर। अब मैं मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और उसके दो से तीन कोट अप्लाई करूँगी। अब मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे बेस को सेट कर लूँगी। अब मैं एक न्यू लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ टू फिनिश द लुक। मेकअप को सेट करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर पर मैं फिक्सर को स्प्रे करूँगी और उसे अपने फेस पे डैप करूँगी। उससे मेरा मेकअप अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और आईलैशेज़ मैं ऑफ कैमरा अप्लाई कर रही हूँ, सो हियर इज़ द फाइनल लुक।